हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी, क्या हाल चाल है? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फोल्डर को कैसे लॉक किया जाता है। फोल्डर दोस्तों क्या होता है कि अगर आप कोई ऐसी फोल्डर बनाते हैं जिसमें कुछ ऐसी फाइलें होती हैं जो कि आप ही देख सकें और कोई दूसरा ना देख सके, इसके लिए क्या करना होता है कि आपको अपने फोल्डर को लॉक करना होता है ताकि किसी अनभिज्ञ व्यक्ति से आपके फोल्डर ना साझा हो सके। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले फोल्डर को लॉक करना बताते हैं। फोल्डर को लॉक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर विंडोज 7 सपोर्ट होता है, ये सभी विंडो में सपोर्ट करता है लगभग। उस सॉफ्टवेयर का नाम है लॉक डीर, यानी लॉक फोल्डर। आप जब भी गूगल पर जाएंगे और गूगल पर जाने के बाद आप वहां पे लॉक फोल्डर करके सर्च करेंगे तो ये फोल्डर आपको, ये सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा। उसको आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा देखने में, जब आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखता है। आप इसमें देख लीजिए और गूगल पर जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको उसमें कुछ नहीं सर्च करना है, सिंपल सा लॉक फोल्डर करके आपको सर्च करना है। ये फोल्डर इस तरीके का मिल जाएगा। इसमें देखिए ऊपर फोल्डर प्रोटेक्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे गेट प्रो के लिए है, बाकी उससे कोई मतलब नहीं है। आपको केवल फोल्डर लॉक करना है, बाकी आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, तो इसलिए आप प्रो लेना बेकार है। बाकी आप यहां से देखिए इस पर कुछ एक्स्ट्रा पासवर्ड, हिंट वगैरह, ईमेल वगैरह कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। इसको आप यहां से इसको क्लोज कर देते हैं। यहां पे आपको पासवर्ड देना है, यहां से दोबारा पासवर्ड को रिटाइप करना है और यहां से प्रोटेक्ट कर देना, फोल्डर आपका प्रोटेक्ट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, जैसे कि हमारा ये पेंड प्रोग्राम का फोल्डर है, इस फोल्डर को हमको क्या करना है, लॉक करना है। लॉक करने के लिए जैसे ये फोटोज वगैरह हैं इस फोल्डर में, इसको हम रख लेते हैं। यहाँ से कुछ ये इसको भी रख लेते हैं। तो अब यहाँ से क्या करना है, ये जो फाइलें हैं ये सुरक्षित फाइलें हैं, इसको हमको रखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस फोल्डर को हम लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए जब आप इस फोल्डर को डाउनलोड करते हैं, इस सॉफ्टवेयर को, तो इसको ले जाके आपको सीधे इसी फोल्डर में रख देना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये फोल्डर आपको दिखेगा। इस फोल्डर पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे जब ये फोल्डर प्रोटेक्ट ओपन हो जाएगा तो यहाँ से आपको इसमें पासवर्ड देना है। मैं सिंपल सा पासवर्ड दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितना भी पासवर्ड आप देना चाहें, कोई इसका लिमिट नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ से वही पासवर्ड इसमें भी हम रिटाइप करेंगे और यहाँ से इसको हम प्रोटेक्ट कर देंगे तो ये प्रोटेक्ट हो जाएगा। अब इसको आप ओपन करना चाहें तो यहाँ से ये फाइल, यहाँ से पहले एक बार इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये देखो जो फोल्डर मैंने लॉक किया है, ये यहाँ से लॉक के नाम से पेंट प्रोग्राम फाइल अब यहाँ पे शो करने लगा। अब इसको क्या करना है, हमको ओपन करना है। यहाँ से हम विंडो एक्सप्लोरर पर चलते हैं। विंडो एक्सप्लोरर पर यहाँ से डेस्कटॉप पर जाएंगे तो ये देखो ये लॉक फोल्डर मुझे दिख रहा है। अब ये कोई दूसरा व्यक्ति आपके इस फोल्डर को नहीं देख सकता है, तो इसके लिए अब आपको ही देखना है। जब वो इस पर क्लिक करेगा तो यहाँ पे आपको उसको पासवर्ड डालने को मिलेगा, तो वो आपके फोल्डर को नहीं देख पाएगा या जो इसमें फाइलें सेव हैं उसको नहीं देख पाएगा। तो यहाँ देखिए रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से, जब रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसको क्लोज कर देना क्योंकि हमको रजिस्टर्ड नहीं करना है। यहाँ से अब ये देखिए फोल्डर प्रोटेक्ट आ गया। अब इसमें अपना पासवर्ड डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे ही पासवर्ड डाल के आप अनप्रोटेक्ट करेंगे ये फोल्डर आपका ओपन हो जाएगा, इसमें जो आपकी फाइलें वो दिखने लगेंगी। तो ये फोल्डर आपके लिए बहुत ही काम का सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ से देखिए इसको जब आप ओपन करते हैं तो ये यहाँ पे फोल्डर प्रोटेक्ट का ये मिनिमाइज टू ट्रे, इसको मिनिमाइज करना चाहें मिनिमाइज कर सकते हैं जब तक वर्क करें। वर्क करने के बाद आप यहां से रिस्टोर प्रोटेक्शन देख सकते हैं, रिस्टोर कर दीजिए, यहां से ये प्रोटेक्शन फिर से लग जाएगा। यहां से इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो ये वापस इसी फोल्डर पर ये आ गया। ये जो कुछ PNG फाइलें होती है जो नहीं सेव करता है, बाकी सारी चीज़ें सेव करेगा क्योंकि ये ओपन है ना ऑलरेडी, तो इसीलिए इसको नहीं सेव किया। बाकी इसको क्लोज करने के बाद सेव करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फोल्डर को लॉक करते हैं। अब फोल्डर को लॉक लगाना
ओपन करना मैंने बता दिया। अगर आपको इस फोल्डर को लॉक हटाना हो तो उसके लिए क्या करें, तो वापस उसी डेस्कटॉप पर जाएंगे, उसी फोल्डर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर उसी फोल्डर पर जाएंगे और इस फोल्डर में लॉक को हटाने के लिए हम यहाँ से उसी तरीके से ओपन करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको वही पासवर्ड डालेंगे जो मैंने उस फोल्डर में डाला था। अब यहाँ से उसको हम अनप्रोटेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलता है कैंसिल प्रोटेक्शन का, तो यहाँ से आपको क्या करना है, कैंसिल प्रोटेक्शन कर देना है। तो ये फोल्डर अनलॉक हो गया, यानी कि पहले जैसा ही आपका ये फोल्डर बन चुका है। ये देखिए पहले जैसा फोल्डर बन गया है। वापस अगर आपको फिर से पासवर्ड लगाना है, इसी पर क्लिक करेंगे तो जब आप क्लिक करेंगे तो वही चीज़ आपको आ जाएगा, पासवर्ड पहले टाइप करेंगे फिर रिटाइप करेंगे फिर उसको आप प्रोटेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ से आप कोई सा भी पासवर्ड डाल सकते हैं और यहाँ से आप प्रोटेक्ट कर दीजिए, ये वापस प्रोटेक्ट हो गया, वो वाली फाइल जब आया थी वो अंदर चला गया। देखिए तो यहाँ से ये चीज़ है, फोल्डर को लॉक करना और फोल्डर को ओपन करना और फोल्डर के लॉक को कैंसिल करना, यहाँ से सारी चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। तो आप जाइए जल्दी से, आप डाउनलोड करके आप भी लॉक कर दीजिए, मतलब कोई दूसरा अगर आपको देख जाएगा या आपके जो इम्पोर्टेंट फाइल हैं उसको देख जाएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। जल्दी से जाइए और लॉक करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू।